काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस वीडियो में आप सीखेंगे परचेज और सेल्स बिल पर जीएसटी के साथ डिस्काउंट के तीन अलग अलग तरीकों के बारे में। पहला है डिस्काउंट के कॉलम में पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज में डिस्काउंट लेना या देना। दूसरा है टैली में दिए गए कैश या ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन की सहायता से पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज या अमाउंट में डिस्काउंट लेना या देना। और तीसरा है बिल के पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट का लेजर बनाकर एक साथ डिस्काउंट लेना या देना। इसके पहले पिछली कई वीडियोस में हम आपको जीएसटी के साथ काम करना बता चुके हैं। हमारा आपसे ये निवेदन है कि यदि आप जीएसटी में अच्छे से काम करना चाहते हैं तो उन सभी वीडियोस को क्रमानुसार अवश्य देखें। वीडियोस को क्रमानुसार या ऑर्डर में देखने के लिए हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी जीएसटी की प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। जब कोई सप्लायर किसी कस्टमर को माल बेचता है और उस समय या बाद में किसी आइटम पर या बिल के पूरे अमाउंट पर कोई छूट देता है तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा, छूट या कटौती भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई सिलाई मशीन वैसे तो 10,000 रुपए की है पर अगर उस पर 20% डिस्काउंट है तो वो आपको 8,000 रुपए में पड़ेगी। जब हम कुछ खरीदते हैं और उस खरीद पर कोई डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे हम डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। और जब हम अपने द्वारा किए गए सेल्स पर डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं वाउचर में डिस्काउंट कैलकुलेट करने के पहले तरीके की। इसमें हम वाउचर बनाते समय एक कॉलम में पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज में डिस्काउंट ले या दे सकते हैं। इसे समझने के लिए हम डिस्काउंट देते हुए एक सेल्स वाउचर बना रहे हैं। 1 मार्च को हम अपने कस्टमर दीपक ट्रेडर्स को 15,000 रुपए के भाव से 2 प्रिंटर, 14,000 रुपए के भाव से 2 मॉनिटर और 6,000 रुपए के भाव से 2 सोइंग मशीन बेच रहे हैं। इसमें प्रिंटर पर हम 10% की छूट दे रहे हैं और मॉनिटर पर 5% की छूट दे रहे हैं। अब सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं। यहां पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहां सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहां पर डिस्काउंट का कोई कॉलम नहीं है तो इसे लाने के लिए हमें F11 प्रेस करके यहां एक फीचर इनेबल करना होगा। उसके लिए पहले हम बैकस्पेस की प्रेस करके शो मोर फीचर पर जाएंगे और यस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहां अब कुछ और फीचर्स दिखाई पड़ने लगे हैं। हमें इनमें से यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस पर जाना होगा और इसे यस करना होगा। अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए ऐसा करते ही वाउचर में डिस्काउंट का एक नया कॉलम आ गया है। अब हम आइटम में प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, यहां पर क्वांटिटी और यहां रेट टाइप करेंगे। ये देखिए अभी अमाउंट में 30,000 आ रहा है। हम डिस्काउंट वाले कॉलम में 10 टाइप कर रहे हैं क्योंकि हम प्रिंटर पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये देखिए ऐसा करते ही अमाउंट 30,000 की जगह 10% कम होकर 27,000 रह गया है। अब हम दूसरा आइटम मॉनिटर सिलेक्ट करेंगे, यहां उसकी क्वांटिटी और यहां रेट टाइप करेंगे, डिस्काउंट में 5 टाइप करेंगे। इसी तरह हम सोइंग मशीन भी ले लेते हैं, पर ध्यान रखें इसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो यहां नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। अब इसे सेव कर लेंगे। आइए अभी हमने जो वाउचर बनाया वापस उस पर चलते हैं और उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए हमने आइटम वाइज जो डिस्काउंट दिए हैं वे बिल में भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से कॉलम में डिस्काउंट देने से 2 समस्याओं का समाधान नहीं होता। पहली तो ये
कि हमने कुल कितना डिस्काउंट दिया है और दूसरा इसमें हम सिर्फ परसेंट में डिस्काउंट दे सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रिंटर पर 10% के हिसाब से डिस्काउंट ना दे करके 1000 रुपए प्रति प्रिंटर डिस्काउंट देना होता तो वो इसमें संभव नहीं है। टैली ने इसका समाधान करते हुए एक ऑप्शन दिया है, तो आइए टैली में दिए गए कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन की सहायता से पर्टिकुलर आइटम पर परसेंटेज या अमाउंट में डिस्काउंट देना समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए हम पहले वाले उदाहरण में थोड़ा चेंज कर देते हैं। हम 1 मार्च को ही दीपक ट्रेडर्स का एक सेल्स वाउचर बना रहे हैं जिसमें 15,000 रुपए के भाव से 2 प्रिंटर, 14,000 रुपए के भाव से 2 मॉनिटर और 6,000 रुपए के भाव से 2 सोइंग मशीन बेच रहे हैं। इसमें प्रिंटर पर हम 10% की छूट दे रहे हैं और 250 रुपए प्रति मॉनिटर से 2 मॉनिटर पर कुल 500 रुपए की छूट दे रहे हैं। ध्यान रखें मॉनिटर पर पहले हमने 5% की छूट दी थी। आगे बढ़ने से पहले हम F11 प्रेस करके डिस्काउंट वाला कॉलम हटा देते हैं। ये देखिए यहां से डिस्काउंट वाला कॉलम चला गया है। अब यहां हमें एक ऑप्शन कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट का इनेबल करना होगा। इसे इनेबल करने से पहले हम कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट का अर्थ समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट से तात्पर्य है जब सप्लायर किसी कस्टमर को माल बेचता है और माल बेचते समय ही भुगतान प्राप्त करने पर या फिर बाद में जल्दी भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट देता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। यदि माल बेचते समय ही सप्लायर को पेमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसकी उधारी की रिस्क समाप्त हो जाती है, और यदि सप्लायर को ड्यू डेट या उससे पहले माल का पेमेंट प्राप्त हो जाता है तो इससे उसकी उधारी की रिस्क कम होती है। बस यही कारण है कि सप्लायर अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट देता है। उदाहरण के लिए हमने अपने कस्टमर से कहा, आपका टोटल बिल अमाउंट 90,000 रुपए है, यदि आप इसका भुगतान अभी कर देंगे तो हम आपको 2% कैश डिस्काउंट देंगे, यानी आपको 90,000 में से 2% कम करके यानी 1,800 रुपए कम करके 88,200 रुपए का पेमेंट ही करना होगा, और यदि आप इस बिल का भुगतान 10 दिन में करेंगे तो हम आपको 1% कैश डिस्काउंट देंगे, यानी ड्यू डेट तक पेमेंट करने पर आपको 90,000 पर 1% के हिसाब से 900 रुपए की छूट मिलेगी। ये तो हुआ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट से तात्पर्य ऐसे डिस्काउंट से है जो व्यापार का विक्रय यानी सेल्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसके द्वारा सप्लायर अपने बायर यानी कस्टमर को ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए हमने अपने कस्टमर से कहा, आप जो 5 आइटम्स हमसे खरीद रहे हैं उसके स्थान पर कोई भी 10 आइटम्स एक साथ खरीदेंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, यानी यदि आपका बिल 50,000 रुपए का है तो हम 50,000 पर 5% कम करके आपसे 47,500 रुपीज ही लेंगे, और यदि आप कोई 20 आइटम्स एक साथ ले लेते हैं तो हम आपको बिल पर 10% डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब ये हुआ, यदि आपका बिल अमाउंट 1,00,000 रुपए होगा तो हम 1,00,000 पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए कम करके 90,000 रुपए ही लेंगे। चलिए वाउचर पर अब आगे काम करते हैं। यहाँ हमें प्रोवाइड कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन को इनेबल करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे और यहाँ दिखाई पड़ रहे प्रोवाइड कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट को यस करेंगे। अब कंट्रोल और A की से इस विंडो को सेव कर लेंगे। हम पहला आइटम प्रिंटर ले रहे हैं। ये देखिए आइटम सेलेक्ट करते ही उसके नीचे डिस्काउंट लिखा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ क्वांटिटी और यहाँ रेट टाइप करेंगे। अब हम डिस्काउंट पर आ गए हैं। यहाँ हम जितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं वो टाइप करना है। एंटर प्रेस करते ही देखिए 10 के आगे परसेंट का चिन्ह आ गया है और उसके आगे 30,000 रुपए पर 10% के हिसाब से डिस्काउंट का अमाउंट 3,000 भी कैलकुलेट हो गया है।
अब हम दूसरा आइटम मॉनिटर ले लेते हैं। इसमें हमें परसेंट से डिस्काउंट नहीं देना है, इसलिए परसेंट वाली जगह को हम खाली छोड़ रहे हैं और एंटर प्रेस करके डिस्काउंट के अमाउंट पर आ जाएंगे। यहाँ दो मॉनिटर पर 250 रुपीज के हिसाब से कुल 500 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ 500 टाइप कर देंगे। इसी तरह अगला आइटम सोइंग मशीन बगैर किसी डिस्काउंट के ले लेंगे। अभी हमने जो डिस्काउंट दिए हैं उनका इफेक्ट लाने के लिए हमें एक लेजर कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स के नाम से क्रिएट करना होगा। आप चाहें तो इसे किसी दूसरे नाम जैसे होलसेल डिस्काउंट ऑन सेल्स से भी बना सकते हैं। हम यहां पर कैश ऑब्लिक ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स टाइप कर रहे हैं। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट सिलेक्ट करेंगे और अब इसे सेव कर लेंगे। ये देखिए बिल में डिस्काउंट का लेजर सिलेक्ट करते ही दोनों आइटम्स पर दिया गया डिस्काउंट इकट्ठा होकर यहाँ माइनस में दिखाई पड़ रहा है। अब हम यहाँ पर CGST और SGST का लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं और अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए हमने जिस आइटम पर जितना डिस्काउंट दिया है वो कम होकर शेष अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट हो गया है। और चलिए अब इसे सेव कर लेते हैं। अब हम तीसरी मेथड देख लेते हैं। इसमें हम पूरे बिल के अमाउंट पर एक साथ डिस्काउंट देना समझेंगे। हम दीपक ट्रेडर्स का ही एक बिल पिछले बिल के अनुसार बना लेते हैं, बस उसमें हम पर्टिकुलर आइटम पर कोई डिस्काउंट ना देकर बिल के पूरे अमाउंट पर डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहां हमें डिस्काउंट का एक लेजर बनाना होगा, तो हम डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनेगा। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। इस GST एप्लीकेबल के आगे हमें नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही नीचे एक नया ऑप्शन इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर आ गया है, इसके आगे हमें GST सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन का मतलब है कि इसे GST के असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन में शामिल करें। मतलब ये हुआ कि इस डिस्काउंट का जो इफेक्ट है वो GST के कैलकुलेशन में ले लें। यहाँ एप्रोप्रिएट के आगे गुड सिलेक्ट करना होगा। मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे। रेट के कॉलम में हम जिस परसेंटेज से डिस्काउंट देना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। हम 10 टाइप कर रहे हैं। देखिए यहाँ 70,000 पर 10% के हिसाब से 7,000 आ गया है। पर ये देखिए कि अब बिल की वैल्यू 77,000 हो गई है, यानी डिस्काउंट का अमाउंट बिल में जुड़ गया है जबकि हमें डिस्काउंट माइनस करना है। हम बैकस्पेस से वापस रेट वाले कॉलम में आ गए हैं। अब यहाँ माइनस के साथ 10 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए अब डिस्काउंट माइनस हो रहा है। अब मान लीजिए हम परसेंट के स्थान पर कोई निश्चित अमाउंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो बैकस्पेस से वापस रेट वाले कॉलम में आकर स्पेस बार प्रेस करें और ऐसा करते ही हमने पहले जो परसेंटेज में डिस्काउंट दिया था वो चला गया है। अब एंटर प्रेस करें। अब हम अमाउंट वाले कॉलम में आ गए हैं। यहाँ हमें माइनस का चिन्ह लगाकर डिस्काउंट का वो अमाउंट टाइप करना होगा जो हम देना चाहते हैं। हम यहाँ पर -10,000 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए बिल में अब ये अमाउंट कम हो गया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप बिल के टोटल अमाउंट के साथ ही किसी पर्टिकुलर आइटम पर भी डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इसके साथ ही वो भी पहले बताए अनुसार दे सकते हैं। आइए अब हम CGST और SGST का लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए हमने दो डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट 600 रुपए जो कि सोइंग मशीन पर है
और दूसरा डिस्काउंट जो बिल के पूरे अमाउंट पर 10,000 रुपए है, ये डिस्काउंट कम होकर बचे हुए अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अब हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब बात करते हैं परचेस की। जिस प्रकार हमने सेल्स पर 3 तरीकों से डिस्काउंट देने की एंट्रीज की हैं, ठीक उसी प्रकार हम परचेस पर जो डिस्काउंट प्राप्त होगा उनकी एंट्रीज भी परचेस वाउचर में 3 तरीकों से कर सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहला, यदि हम कॉलम में आइटम के साथ परसेंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसके लिए F11 प्रेस करके यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। और यदि आप इस ऑप्शन को सेल्स वाउचर के समय इनेबल कर चुके हैं तो फिर परचेज वाउचर में डिस्काउंट का कॉलम अपने आप ही आ जाता है। बस आपको सेल्स वाउचर की तरह ही परचेज वाउचर में एंट्री करना है। दूसरा तरीका है, यदि हम सेल्स वाउचर में F12 की प्रेस करके प्रोवाइड कैश / ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन को चालू कर चुके हैं तो फिर परचेज वाउचर में भी ये ऑप्शन अपने आप आ जाता है। इसके माध्यम से आप पर्टिकुलर आइटम्स पर परसेंटेज और अमाउंट दोनों में डिस्काउंट दे सकते हैं। और यदि आपने इस ऑप्शन को पहले चालू नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। बस हमें इस डिस्काउंट को अप्लाई करने के लिए एक लेजर बनाना होगा। तो आइए कैश / ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेस के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। अंडर में हम डायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें, सेल्स की स्थिति में हम डिस्काउंट का लेजर बनाते समय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करते हैं और परचेस की स्थिति में डायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट सिलेक्ट करेंगे और अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसा कि हमने सेल्स वाउचर में बताया था, उसी के अनुसार आप परचेस पर मिलने वाले डिस्काउंट की एंट्री भी परचेस वाउचर में कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे तरीके की। यदि हमें परचेस के पूरे बिल अमाउंट पर डिस्काउंट प्राप्त हुआ है तो हमें उसकी एंट्री अपनी परचेस वाउचर में करने के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेस के नाम से एक लेजर बनाना होगा। चलिए ये बना लेते हैं। अंडर में डायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, इस GST एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना होगा। अब इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर के आगे GST सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अप्रोप्रिएट के आगे गुड्स सिलेक्ट करेंगे, मेथड ऑफ कैलकुलेशन में बेस्ड ऑन वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे और अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इस लेजर के माध्यम से सेल्स वाउचर में बताए अनुसार परचेस वाउचर में एंट्री करते समय टोटल बिल अमाउंट पर मिलने वाले डिस्काउंट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको सेल्स और परचेस के वाउचर में डिस्काउंट के साथ एंट्री करना बताया। आने वाली वीडियो में हम आपको किसी बिल को राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।